वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम इंटेंजिबल एसेट्स में रेकग्नेशन एंड मैयरमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो रेकग्नेशन एंड इनिशियल मेयरमेंट को जब सबसे पहले हम देखेंगे तो इसके अंदर इंटेंजिबल uh, एसेट के किसी भी आइटम को रेकग्नाइज़ करने के लिए एक एंटिटी को ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि वो आइटम सर्टन क्राइटेरिया मीट करता हो जिसमें से एक डेफिनेशन क्राइटेरिया कि इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन जो हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी उसको वो पूरा करता हो और दूसरा रेकग्नेशन क्राइटेरिया जिसको वो पूरा करता हूँ रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है उन कॉस्ट पर जो एक एसेट पर इनिशियली इंकर्ड uh, होती हैं जब उसको हम एक्वायर कर रहे होते हैं या इंटरनली जनरेट कर रहे होते हैं और उन कॉस्ट पर भी ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है जो बाद में सब्सिक्वेंटली जो कॉस्ट इनकर होती है जैसे किसी एडिशन uh, के तौर पे या किसी पार्ट को रिप्लेस करते हुए या कोई सर्विसिंग या मेंटेनेंस करते हुए एसेट की अब डेफिनेशन तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर की थी लेकिन रिकग्नेशन क्राइटेरिया बेसिकली क्या है इसको डिस्कस करते हैं तो रेकग्निशन क्राइटेरिया ये है कि इंटेंजिबल एसेट सिर्फ तब रेकग्नाइज़ किया जाएगा अगर वो दो कंडीशन को पूरा करता हो नंबर वन ये कि प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो उस एसेट से एट्रीब्यूटेबल हैं जो उस एसेट से रिलेटेड हैं वो एंटिटी की तरफ फ्लो करेंगे और उस एसेट की कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती हो तो इनिशियल मेयरमेंट भी जो है रिक्वायरमेंट इंटेंजिबल एसेट की वो यही है कि उसको एट कॉस्ट मैयर करना है सो so ये इज करने के लिए डेफिनेशन को भी मीट करना जरूरी है और रेकग्नेशन क्राइटेरिया भी जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और रिलायबल मेजरमेंट शामिल है और इनिशियल मेजरमेंट होगी एट कॉस्ट अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जब बात आती है एज अ रिक्शन क्राइटेरिया तो एनिटी शेल असे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यूजिंग रीजनेबल एंड स्पोर्टेबल एजमशन ये बड़ी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि रीजनेबल और सपोर्टेबल एजेंशन होनी चाहिए अब जस्ट ऑन द बेसिस के आपके पास एक सॉफ्टवेयर है तो आप जो है बहुत ही एग्जेजरेटेड किस्म के एस्टिमेट ले लें कि जी मिलियंस uh, और बिलियंस की ट्रैफिक आपको रिसीव होगी और उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा आप एक ऐसा रेवेन्यू और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखें जो रीजनेबल हों और एजेम्शन उसकी ऐसी हों जिनका कोई स्पोर्टिंग एविडेंस हो और फिर मैनेजमेंट के बेस्ट एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करें उन इकोनॉमिक कंडीशन पर जो एसेट की यूजफुल लाइफ में एग्जिस्ट करती होंगी अब इसके लिए एक एंटिटी जो है वो जजमेंट को यूज़ करती है कि कितनी सर्टेनिटी है क्योंकि फ्यूचर की जब आप कैश फ्लोज की बात करते हैं तो जब हम बात ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो उसमें ज़रूर होगा कभी कम कभी ज़्यादा तो जो भी एविडेंस इनिशियल रिकोगनीशन के टाइम पर अवेलेबल होगा उसको कंसिडर किया जाएगा जिसमें ज़्यादा वेट यानी ज़्यादा जो अहमियत दी जाएगी वो एक्सटर्नल एविडेंस को दी जाएगी यानी अगर आपको किसी एसेट की परफॉर्मेंस के बारे में कोई एक्सटर्नल एविडेंस मौजूद है जैसे कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन है या कोई किसी और स्टडी में जो है एक पैरामीटर सामने आए तो उनको आप ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू इंटरनल एविडेंस और इंटरनल स्टेटमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट फिर एक एसेट पर जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है इंटेंजिबल एसेट में ये काफी टेक्निकल बन जाता है क्योंकि सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट पर सिर्फ तब कैपिटलाइज करना है अगर उसे मैयर भी किया जा सके और एट्रीब्यूट भी किया जा सके उस एसेट के साथ और वो उस एसेट की वैल्यू इन्हांस करे और ऐसा बहुत कम होता है यानी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर आप जब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो ऐसा बहुत कम होगा कि वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो रहा हो उसकी वजूहत क्या है वो देखते हैं नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट अक्सर ऐसी होती है कि उसके अंदर कोई एडिशन नहीं हो सकता ना उसके अंदर कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ब्रांड नेम है तो वो ब्रांड नेम वही ब्रांड नेम रहेगा उसके अंदर कोई एडिशन वगैरह आपका नहीं आ रहा होगा रिप्लेसमेंट नहीं आ रही होंगी या इसी तरह अगर आपके पास एक टेन इयर्स का लाइसेंस है या इंडेफिनेट पीरियड का एक लाइसेंस है तो वो लाइसेंस की जो परमिशन है वो वैसी ही रहेगी उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रही होंगी तो मोस्टली जो सब्सिक्ड एक्सपेंडिचर होता है वो मेंटेन करने के लिए यूज हो रहा होता है समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर है वाकई उसके अंदर एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का एडिशन हो कि आपका पहले एक ईआरपी सॉफ्टवेयर था उसके अंदर अब आपने एक इन्वेंट्री का मॉड्यूल ऐड किया है तो अब आप कहते हैं कि जी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक एडिशन हो गया तो वो बिल्कुल वो तो कैपिटलाइज होना चाहिए लेकिन मोस्टली जैसे रूटीन के अंदर सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं बग्स आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं और हम उनको उनकी डी बगिंग कर रहे होते हैं उसकी जो करेक्शन कर रहे होते हैं और इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं वो जस्ट एक मेंटेनेंस होती है तो मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मेंटेनेंस होता है जिससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को जो कर कर रहे होते हैं। rather than के वो अलग से एक intangible asset definition से एक की और को रहा इसी तरीके अक्सर ये डिफिकल्ट भी होता है कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट के साथ हम डायरेक्टली एंट्रीब्यूट कर सकें रिलेट कर सकें क्योंकि अक्सर जो जिस तरह ब्रांड के लिए अगर हम कोई काम हम कहते हैं जी ब्रांड के लिए हमने ये वर्क किया तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो पैसे हमने लगाए उसका एडवर्टीज़मेंट के लिए क्या इफेक्ट था उसका एक गुडविल जनरेट करने में क्या इम्पैक्ट आया उसका ब्रांड की डेवलपमेंट के अंदर क्या इम्पैक्ट आया तो ये एट्रीब्यूशन करना भी डिफिकल्ट होता है तो ये तीन रीजंस की नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऐसी है कि अक्सर एडिशन नहीं होते मोस्टली एक्सपेंडिचर जो है वो मेटेन्स की नेचर का होता है और सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूट करना रिलेट करना भी मुश्किल होता है तो इस वजह से अक्सर सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं किया जाता और जो मेटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर हम लगा रहे होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस में

जिसमें से एक तो ये है कि आप उसको सेपरेटली एक्वायर कर लें जैसे हम किसी इंटेंजिबल एसेट को परचेज कर लेते हैं या फिर आप एसेट को एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट में एक्वायर कर लेते हैं कि आपने एक, एक एसेट दिया और दूसरा जो है इंटेंजिबल एसेट आपने उसके अगेंस्ट एक्वायर कर दिया तीसरा ये है कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू कोई इंटेंजिबल एसेट मिल जाए फोर्थ ये है कि इंटरनल जनरेटेड जो है हो कि हम खुद एक एसेट बनाएं जैसे हम खुद अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें खुद एक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें खुद एक अपना म्यूज़िक या मूवी डेवलप करें तो इंटरनली जनरेटेड आइटम है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है ये हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ये जो फर्स्ट थ्री हैं ये तो हम इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं लेकिन इंटरनल जनरेटेड आइटम्स जो हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे फिर एक्वायर्ड इन बिजनेस कंबिनेशन यानी जब हम कोई और बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट एसेट्स मिल जाते हैं तो उन डिफरेंट एसेट्स को भी जो है इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रेकग्नाइज किया जा सकता है और उसमें अगर इंटेंजिबल एसेट है जैसे आपने एक सब्सिडी एक्वायर की तो उसके जो ब्रांड थी वो भी आपने एक्वायर कर ली उसका जो सॉफ्टवेयर था वो भी आपने एक्वायर कर लिया उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो भी आपने एक्वायर कर लिया तो उसको भी रेकग्नाइज़ किया जा सकता है इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे तो अब हम इन तीन आइटम्स को जरा वन बाय वन देखते हैं कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने तो सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट्स की रिकग्नेशन तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्राइटेरिया तो नॉर्मली प्राइस जब आप पे कर रहे होते हैं टेंजिबल एसेट की तो वो ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे अगर आपने एक ब्रांड परचेज की है फ़िफ्टीन मिलियन की तो फिफ्टीन मिलियन पे करना इस बात को रिफ़्लेक्ट करता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस ब्रांड से आपको फिफ्टीन मिलियन और अबव के बेनिफिट्स मिलेंगे हो सकता है आप इस बारे में शोर ना हो कि वो बेनिफिट्स कब मिलेंगे एग्जैक्टली exactly किस वे में मिलेंगे लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे तभी आप उसके लिए वो अमाउंट पे कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया सेटिसफाइड कंसिडर होता है यानी ये हम एज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगी जब एक इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली एक्वायर किया जाता है इसी तरह रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट जब आपने एक एसेट सेपरेटली परचेज किया है तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो जो कॉस्ट है वो एक रिलायबल मेजरमेंट भी अवेलेबल है तो ख़ासतौर पे जब आपने परचेज कंसिडेशन कैश की फॉर्म में पे की हो या कोई और मॉनेटरी एसेट्स उसके अगेंस्ट पे की हो तो फिर तो ये कॉस्ट मैयर करना और भी आसान हो जाता है तो सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट की रिकग्नेशन जो है ये नस्बता एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू है अब सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट की मैयरमेंट तो जब आप एक अलग से इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं तो उसको आपने किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है आपने उसको रिकॉर्ड करना है परचेस प्राइस में जिसमें आप इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस जो हैं वो भी इंक्लूड कर देंगे लेकिन ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट लेस कर देंगे डिडक्ट कर देंगे कोई भी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जो उस एसेट को प्रिपेयर करने के लिए या उसके इंटेंडेड यूज़ के लिए ज़रूरी है उनको भी शामिल किया जाएगा अब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती हैं इनको हम देखते हैं तो इसमें कॉस्ट ऑफ एम्प्लाय बेनिफिट जैसे यानी सैलरीज कॉस्ट वेजेस कॉस्ट जो कि एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हैं या इसी तरीके से प्रोफेशनल फीस जो कंसल्टेंट्स आप हायर करते हैं जो एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कॉस्ट आपकी लग रही है सिमिलरली कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के एक एसेट फंक्शन प्रॉपर कर रहा है कर रहा है या नहीं इसी तरह सॉफ्टवेयर की जो है वो भी टेस्टिंग होती है इसी तरह बाजूक जो प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजीज होती है उनकी भी टेस्टिंग होती है तो वो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी आप इंक्लूड करेंगे फिर कुछ बातें जिन्हें हमने इस एंगल से जहन में रखना है कि उन्हें मेजरमेंट में शामिल नहीं करना चाहिए सो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं होंगे कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट तो ये एडवर्टीजमेंट और प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं इनको आपने एक्सपेंस बनाना है इन्हें एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर जैसे स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह इनको भी एक्सपेंस बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड को भी एक्सपेंस बनाएंगे इन्हें इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना क्योंकि ये चीज़ें इंटेंजिबल एसेट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है इसी तरीके से कब आप मजीद कॉस्ट जो हैं वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो जब एक इंटेंजिबल एसेट उस कंडीशन में आ जाता है जिसे हम कहते हैं कि वो अब अवेलेबल फॉर यूज़ है सो एसेट इज़ इन द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट जैसे उसके बाद अगर कोई उस पर कॉस्ट लग रही होती है जैसे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस या कॉस्ट ऑफ रीडिप्लाइंग ऑफ द एसेट तो वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे समटाइम्स जब एसेट डेवलप हो रहा होता है तो कुछ इंसिडेंटल ऑपरेशन भी होते हैं यानी एसेट जब आप बना रहे थे तो फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे तो साथ ही आपने एक मीडिया हाउस के साथ ये डील की कि वो आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्री को जब रिलीज किया जाएगा तो उसका रेवेन्यू आपके साथ शेयर होगा तो ये जो आपको इनकम मिली ये एसेट को डेवलप करने के लिए वजह से राइज नहीं हुई ये उसका इंसिडेंटल ऑपरेशन तो है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो इससे रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंस होगा वो इमीडिएटली प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकग्नाइज होगा इसको आप एसेट के अंदर एड या लेस नहीं करेंगे इसी तरह एफर्ट पेमेंट टर्म्स यानी अगर आप एक इंटेंजिबल एसेट की जो पेमेंट है वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म से बियॉन्ड जाकर पे कर रहे हैं तो जो कॉस्ट है आपकी वो होगी कैश प्राइस इक्विवेलेंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और उसे प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होना चाहिए अनलेस कि आपका जो डेवलपमेंट एसेट है वो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा हो वो क्वालिफाइंग एसेट हो फिर आप उसे अंडर आई एस ट्वेंटी थ्री कैपिटलाइज भी कर सकते हैं वरना नॉर्मल ट्रीटमेंट यही होगी कि आप उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट पर अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अतीक लिमिटेड एक्वायर्स न्यू टेक्नोलॉजी दैट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स एनर्जी कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंड कड इनक्लूड कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बिल्कुल ये इंक्लूड होगी ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड ये हमें जो है लेस कर देना चाहिए ट्रेनिंग कोर्स ये तो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होना चाहिए इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ये भी हमें कैपिटलाइज करनी चाहिए लॉस इनकर्ड इंकर्ड वाइल अदर पार्ट ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग तो ये भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगा इसका एसेट की जो है डेवलपमेंट के साथ कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूशन नहीं बनती सो so रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस्ट जो कैपिटलाइज की जा सकती है वो हमें कैलकुलेट करनी है तो हमारे आंसर में जो हम कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं उसमें ये अमाउंट जो टेक्नोलॉजी की है डिस्काउंट हम लेस कर देंगे और टेस्टिंग की कॉस्ट को भी इंक्लूड कर देंगे तो नेट हमारे पास 1.32 मिलियन की अमाउंट आ जाती है ये हमारा आंसर होगा सेकंड ये है कि अगर हम एक एसेट को एक्सचेंज में एक्वायर करते हैं तो यानी एक एसेट हम अपना दे देते हैं और उसके अगेंस्ट दूसरा हमें जो एसेट मिलता है वो एक इंटेंजिबल एसेट है तो अब उस इंटेंजिबल एसेट को कैसे रिकग्नाइज किया जाए तो इसके जो रूल्स हैं वो आई एस जैसे हैं बिल्कुल इन ऑर्डर टू रेकग्नाइज एन एसेट दैट वॉज एक्वायर्ड इन एन एसेट एक्सचेंज इट मस्ट मीट बोथ द डेफिनेशन एंड रेकग्नेशन क्राइटेरिया हाउ व एसेट एक्वायर्ड विल ओनली भी रेकग्नाइज एंड द एसे विल ओनली भी डी रेकग्नाइज इफ़ द ट्रांजेक्शन हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस तो ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस कब होता है कमर्शियल सब्सटेंस तब होता है जब एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की वजह से एक एंटी के फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हों अगर एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिससे आपके फ्यूचर कैश फ्लो पे कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा वो चेंज नहीं होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन तभी होती है जब जो पुराना एसेट है उसके कैश फ्लोज अब आपको नहीं मिलने और जो नया एसेट आप एक्वायर कर रहे हैं उसके कैश फ्लोज अब आपको मिलने जो कि डिफरेंट है सो so, ये कमर्शियल सब्सटेंस होता है अब कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट क्या होगी तो उसके अंदर सेम रूल आई सिक्सटीन वाले हम अप्लाई करेंगे कि अगर हम एक्सचेंज ऑफ एसेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड विल बी तो हमारी पहली चॉइस होगी फेयर वैल्यू ऑफ़ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश पेड रिसीव कैश पेड होगा तो आप ऐड करेंगे और रिसीव्ड होगा तो लेस करेंगे लेकिन अगर ये अवेलेबल ना हो या इन केस के फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड मोर एविडेंट है तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं इसके अंदर कैश की एडजस्टमेंट नहीं की जाती क्योंकि ये इट्स सेल्फ उस एसेट की फेयर वैल्यू है और अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ ना हो यानी हम कहते हैं कि जी ना फेयर वैल्यू अवेलेबल है और या फिर ट्रांजेक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रही है तो फिर आप कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश पेड की इन्वेस्टमेंट uh, जो है रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैश पेड अगेन ऐड होगा और कैश रिसीव्ड अगर होगा तो वो लेस होगा ये तब होना है जब नीदर ऑफ द फेयर वैल्यूज आर अवेलेबल और द ट्रांजेक्शन कमर्शियल सब्सटेंस थर्ड वे जिसमें हम एक इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं वो है बाई वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट तो इंटेंजिबल एसेट जो है फ्री ऑफ चार्ज या नॉमिनल कंसिडेशन में गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू मिल सकता है ऐसा अमूमन तब होता है जब गवर्नमेंट जो है कोई ट्रांसफ़र या एलोकेशन करती है एंटिटी को जैसे एयरपोर्ट लैंडिंग राइट्स की लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो की टेलीविजन स्टेशन की इंपोर्ट लाइसेंसिस की कोटास की राइट टू तो एक्सेस अदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज की तो अमूमन गवर्नमेंट की तरफ से फोकस ये होता है कि कुछ खास एंटिटीज़ को ये दिया जाता है ताकि उन एंटिटीज़ का क्योंकि रिसोर्स uh, बाकी उनके पास ऐसे होते हैं जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव uh, जो है बेनिफिट दे सकती हैं टू द सोसाइटी एज अ होल तो गवर्नमेंट की तरफ से समटाइम इस टाइप के रॉड्स कोटाज और लाइसेंसेज जो हैं वो बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट भी एंटिटीज़ को दिए जाते हैं तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो रेलिवेंट स्टैंडर्ड आई एस ट्वेंटी है और उसके मुताबिक होंगी तो उसके हिसाब से आप इंटेंजिबल एसेट को डेबिट करेंगे और डेफिड ग्रांट को क्रेडिट करेंगे और ये करेंगे आप एट फेयर वैल्यू यानी फेयर वैल्यू जितनी है उतने से ही एसेट डेबिट हो जाएगा और ग्रांट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी अल्टरनेटिवली ये हो सकता है कि आप अगर फेयर वैल्यू पर नहीं रिकॉर्ड करते तो फिर आप नॉमिनल अमाउंट प्लस कोई जो आपने एक्सपेंडिचर डायरेक्टली डट्रीब्यूटबल इनको किया उस पर करते हैं नॉमिनल अंट का मतलब है कि कोई भी ऐसी मामूली अमाउंट पे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे मटीरियल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं पड़ता तो हमारी वैसे जनरली जो प्रायरिटी होती है वो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करने की होती है लेकिन जहाँ फेयर वैल्यू रिलायबली मैय ना हो सकती हो वहाँ फिर नॉमिनल वे अमाउंट पर रिकॉर्ड करने से ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट एसेट रिकॉर्ड में आ जाता है आल दो ये कि उसकी जो अकाउंटिंग है वो उस तरीके से हमारी फेयर वैल्यू के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं हो रही होती बट एटलीस्ट वो हमारे रिकॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा होता है तो so ये हमारे रेकग्नेशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड इश्यू थे वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हाइस थर्टी एट इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है हबीब लिमिटेड ऑन थर्टियथ जून 2004 हबीब लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट इट हैड बीन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन सिंस दिस प्रोडक्ट हैपन टू बी अ पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर विच इट डिड नॉट हैव द नेसेसरी राइट्स तो वो प्रोडक्ट को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे थे डिस्कवरी बाद में भी पिके वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है और उनके पास उसके रेलिवेंट राइट्स नहीं है सो एच एल इमीडिएटली शट डाउन इट्स फैक्ट्री एंड हायर द फर्म ऑफ लॉयर्स टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ इन द एक्विजीशन ऑफ द नेसेसरी राइट टू मैनुफैक्चर दिस पेटेंटेड प्रोडक्ट तो इन लीगल प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने जहाँ पे फैक्ट्री थी तो उसको शट डाउन कर दिया और लॉयर्स के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया और उनको हायर करके अब उसके पेटेंट को एक्वायर करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया द लीगल प्रोसेस वॉज फाइनलाइज ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर एच एल वॉज देज एट हंड्रेड थाउजेंड to purchase the rights including rupees 80000 in refundable taxes to तो ye refundable tax to cost nahi hai aapki ye isme se hum minus kar denge legal fee of rupees 50000 were incurred during july 2004 to ye bhi hamari jo legal fees hai ye directly attributable cost hai ye bhi hame add karni chahiye during the july factory shutdown yani jis duran unhone factory ko shut किया हुआ था tha overhead cost of rupees 40000 were incurred okay तो ये कॉस्ट इनकर हुई है लेकिन ये एसेट को एक्वायर करने के लिए तो नहीं हुई तो इसको हमें शामिल नहीं करना चाहिए सेकंड पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वाज लॉस्ट विद द रिजल्ट दैट एच एल टोटल सेल्स ओवर अगस्त एंड सेप्टेम्बर वॉज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड बट इट्स एक्सपेंसिवर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड तो ये थर्टी थाउजेंड का लॉस भी एसेट की एक्विजीशन से रेलिवेंट नहीं है कि एसेट को एक्वायर करने के लिए करना जरूरी था ये तो इस वजह से लॉस इनकर करना पड़ा क्योंकि पहले जो प्रोडक्शन हो रही थी वो इलीगल हो रही थी

रिटर्न हो गया लेकिन ले एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा इसको एक्सपेंस के तौर पर ही ट्रीट करना होगा इन द पीरियड इन विच इट वॉज इन सो रिक्वायरमेंट यह है कि ऑफ ऑफ द द कॉस्ट कॉस्ट कैन बी इन इन पेटेंट अकॉर्डिंग विद सो हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम फोकस करेंगे परचेज प्राइस पे सो परचेज प्राइस जो है ये कैपिटलाइज होनी चाहिए लेकिन रिफंडेबल टैक्सेस नेट करके एट हंड्रेड थाउजेंड में से एटी थाउजेंड हम जब नेट कर देंगे तो सेवन ट्वेंटी थाउजेंड की एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट so, है इसको भी कैपिटलाइज होना चाहिए तो ये हम फिफ्टी थाउजेंड कैपिटलाइज कर देंगे यही दो अमाउंट्स हैं जो कैपिटलाइज होनी चाहिए अब बाकी अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए बट स्टिल वी वुड डिस्कस दम सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट को ओवरहेड so कॉस्ट जो है वो ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड लगी है ये एसेट को एक्वायर करने के लिए जरूरी नहीं थी ये सिर्फ इस वजह से लगी है क्योंकि आप इलिगल प्रोडक्शन कर रहे थे सो दिस इज एन इंसिडेंटल कॉस्ट नॉट नेसेसरी नेसेसरी टू द द एक्विजिशन ऑफ राइट्स तो शटडाउन वाज ओनली क्योंकि प्रीवियस ऑपरेशन इलीगल हो रहे थे फर्दर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं सो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जो है वो लॉस हुआ उसमें थर्टी का लॉस करना पड़ा वंस अगेन ये जो ऑपरेटिंग लॉस है ये प्रोडक्ट की डिमांड डाउन हुई हुई थी तो उस दौरान लगा है तो ये ऑपरेटिंग लॉस इनकर्ड वेल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज टू इट्स नॉर्मल लेवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट वॉज इनकर्ड आफ्टर द राइट वर एक्वायर्ड यानी एसेट ऑलरेडी हमारे पास उस लेवल पे था उस कंडीशन में था जिसमें मैनेजमेंट इंटेंट कर रही थी और उसके बाद ये कॉस्ट लग रही है सो कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द इंटेंजिबल एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड तो इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते या इस 38 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन भी है फिर एडवर्टीजमेंट कंपेन है जिस पर ट्वेंटी इनकर किए गए तो एडवर्टीजमेंट कंपेन को भी रिकोगनाइज नहीं करेंगे एज एन एसेट इसको प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे द एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग इनकर्ड इन ऑर्डर टू रिकवर मार्केट शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट जो कि राइट्स को एक्वायर करने के बाद इनकर हुई यानी सेम ऊपर वाली बात है यहाँ पे लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिकली भी आई एस थर्टी एट में लिस्टेड है कि जिनको आप कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि एंटिटी का इनके ऊपर एक इनसफिशेंट कंट्रोल होता है जो इसकी वजह से राइज होगा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था हर पॉइंट को हमने इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे